तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हर दल ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव का मौसम है तो फिर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनावी बिसात पर अपनी अपनी वैतरणी को पार करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जनसभाएं की जा रही हैं। इसी के तहत जब बीते दिन फरीदाबाद के पिरथला के गांव शाहपुर में बीजेपी ने विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया तो फिर ये विजय संकल्प विद्रोह संकल्प में बदलता नजर आया। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद कृष्ण पाल गुज्जर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध कर दिया और वो भी उस वक्त जब हरियाणा लोकसभा बीजेपी प्रभारी कलराज मिश्र मंच पर मौजूद थे। हंगामा बरपा, कृष्णपाल गुज्जर के विरोध में नारे लगे और कृष्णपाल गुज्जर को लोकसभा की टिकट देने का भी विरोध हुआ और इस विरोध को देखकर कलराज मिश्र आपा खो बैठे और एक ऐसा बयान दे दिया जिसने अब हरियाणा की सियासत में हंगामा मचा दिया। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही बात। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही बात। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही बात। हरियाणा में कलराज मिश्र को बीजेपी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है, लिहाजा गुस्सा तो आएगा ही। जब कलराज मिश्र की पहली विजय संकल्प जनसभा में बीजेपी के अंदर विरोध के सुर फूटते दिखाई दिए, लेकिन कलराज मिश्र ने अपने ही कार्यकर्ताओं को जो धमकी देते हुए गोली मार देने वाला शब्द इस्तेमाल किया, अब उसे लेकर विरोधियों ने कलराज मिश्र पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से कल कलराज मिश्र ने खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह की बात कही है, जो गोली मारने की बात कही है, इससे साफ दिखता है कि बीजेपी के चौकीदार गोली मार हैं। बीजेपी की सभ्यता और संस्कृति पहले से इस तरह की रही है, दंगे कराने की, धर्म के नाम पे, जाति के नाम से दंगे कराने की। और अब साफ दिख रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को गोली मारने की बात कर रहे हैं, तो ये जो चौकीदार हैं बीजेपी के, ये गोली मार चौकीदार हैं। यहाँ पर कलराज मिश्र जी आए थे, कलराज मिश्र कल ही आए थे। बीजेपी कहती है कि हम तो जो है ना बदमाशी खत्म करेंगे, गुंडागर्दी। कलराज मिश्र ये कहते हैं कि मेरा बस चलता तो फिर मैं गोलियां चलवा देता, और चलवाई है। हरियाणा में 33 लोगों की जान जाट आरक्षण पे गई है, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। कलराज मिश्र के सामने विरोध करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये भरोसा था कि वो उनकी बात को जरूर सुनेंगे, विरोध के स्वरों को भापेंगे, लेकिन हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं के भरोसों के बिल्कुल उलट। ऐसे में विरोध करने वाले अपने ही कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए जो रास्ता कलराज मिश्र ने चुना वो ना तो बीजेपी को पसंद आया होगा और ना ही विरोध करने वाले नेताओं को। रही बात विरोधियों की, तो फिर उन्हें जो मौका मिलना चाहिए था, आज वो मौका भी उनके हाथ में लग ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।